तो बताओ मैम कैसा लगा आपको उससे मिलके? दीदी मैम मिली दीदी कह रहे नहीं ऐसे क्यों कह रही हो आप दीदी हो। अरे हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक सपने की तरह लग रहा था, पर दीदी से मिलके बहुत बढ़िया लगा। इतना लग रहा है कि हम कह नहीं सकते मतलब सपने से आज हकीकत में आज हम मिल चुके हैं, मतलब बस मोबाइलों में ही देखते रहते थे। हमारा भी यही रहता है क्योंकि हमसे कोई मिलने आए तो बस यही कहे कि हमें अच्छा लगा, दिल खुश हुआ हमारा मिलके, तो बस सही है। और बाकी आप सबका प्यार सपोर्ट और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि दीदी जैसे मतलब कहीं वो आए, ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही बैठे हैं, घर जैसा लग रहा है, फील हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कैसे मतलब बोल ही नहीं पा रहे क्या कहना है आगे किस नाम से? आप सही बता रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा है क्या किस नाम से? जूली जी के साथ जूली नाम है आपका? जूली है तो गाइस जूली नाम है इनका, और इनका अकाउंट को भाई विजिट करो आप लोग और ज्यादा सपोर्ट करो जिससे कि ये एकदम। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बहुत खास इंसान के पास जो बहुत ही खास है, और वो इतना खास है कि हमारे लिए भी और आपके लिए भी, जो हमारे दिल पे राज कर रहा है वो आपके दिल पे भी राज कर रहा है। गाइस जो इतने खास है उसके जिस इंसान खास इंसान के पास जा रहे हैं गाइस, वैसे तो हम नाइट में गए थे उनके घर पे, तो क्या है नाइट में ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो उस वजह से हम रात में नहीं गए थे उनके घर पे, तो हम रुके थे होटल में गाइस। तो आप जा रहे हैं सुबह, हम जा रहे हैं संजना दीदी के पास, तो आप बने रहना हमारे ब्लॉग में आप सब। भैया संजना आदिवासी का घर कहाँ पे है? ये है संजना दीदी का घर, ये उनका घर है गाइस। तो हम चलते हैं अंदर, संजना दीदी घर पे ही होंगी, मिलते हैं गाइस उनसे। तो संजना दीदी के हॉस्टल संजना दीदी का ही है। तो भाई चुके हैं, दूर से आए हैं, तो दीदी हम ग्वालियर से आए हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो फ्रेंड्स हम कल निकले थे और नाइट हुई थी, तो फिर नाइट में ब्लॉग कहाँ बना पाते, फिर होटल में रुक गए थे, तो फिर दीदी अभी आए हैं, फिर सुबह रात में आपको परेशान नहीं किया। हाँ तो आए तो आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी लगती हो, आवाज बहुत क्यूट लगती है। किधर स्टे किया? दुराड में स्टे किया था। हाँ विराट होटल में, क्योंकि हमारे यहाँ टाउन एरिया पड़े तो उधर मतलब उधर कोई इतना अच्छा नहीं होटल कि हम लोग टाउन एरिया में बैठे, टावा में तो मिल भी जाएंगे आपको, यहाँ हाँ। नहीं मिलते हैं चक्कर में। बहुत टाइम से सोच रहे थे आपसे मिलने का, फिर एकदम से मिला तो सोचा मिल ही आए, और फिर यहाँ पे पूछते पूछते आए तो सब लोग जानते हैं आपको, बोला है अच्छा वो तो फेमस है, सबने बता दिया था दीदी तुम्हारा नाम। हाँ सबने जलने वाले होंगे, वो लटाते हैं थोड़ी मारे होते आगे जगह ही है। हमने नाम नहीं रखा है, हमें आते हैं नहीं इनके पति वाले, तो आप ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? चार साल और करेंगे। तो मेरे को यही मैंने सोचा मतलब चार महीने हो सकते हैं, चार साल क्या है, फिर मैं समझी है कुछ तो है, चार वाला पूछेंगे थोड़ा सी नाम। बैग लैंड खड़े हो, हमको अच्छा लग रहा है बैठे, बैठो बैठता हूँ। हेलो शाम को उधर से आए थे ना,
भैया जन्माष्टमी के व्रत नहीं रहेगी, द्वादशी रहते हैं तो उनसे हमें अब क्या मम्मी करते खाना ही चलो वही फिर खाना खा के डायरेक्ट आएंगे थक गए थे ऐसा था। कल बहुत ज्यादा गर्मी देखती गर्मी अभी बिल्कुल वीडियो मार हाल खराब हो गई उमस थी कल बारिश नहीं आ रही और गर्मी बहुत लग रही है फिर भी स्टार हो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है आपसे बड़ी बात है इतनी ऊंचाइयों तक जाने के बाद आपको देख रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है कितनी फ्रेंडली बात करते हो आप बिल्कुल भी मतलब हमारे शुरू से ऐसे रहा है इससे भी हम यही कहते हैं सबसे प्यार से अरे ऐसे होता है मम्मी सबके हिस्ट्री को जब मतलब कभी मम्मी कभी थोड़ा बहुत वैसे बोल रहे थे पता क्या नहीं सुबह से 7-6 बजे बात रात लेक्चर देंगे मुझे मैंने फिर नहीं सुनती इतनी मैं मम्मी सब इतनी छोटी बात तो इतनी क्यों सुना रही मुझे कहती नहीं कहा तो कहा कैसे माँ तो माँ होती है हमें सब अच्छे से अच्छे के लिए समझाते हम ले लेंगे आप परेशान संवाद के साथ हमें बिठा ला यहाँ पे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है घर से आए हैं ना पर ये फैमिली की तरह लग रहा है बहुत ही ज्यादा अपना मन फील हो रहा है अब तो रुक जाए क्या वहाँ जाना ही है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे पहले हमारी दीदी बढ़ेगी तो गाइस संजना दीदी को बहुत ही ज्यादा आगे पहुंचाना है अपन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना है पहले दीदी को करना है फिर मुझे करना है तो बताओ मैम कैसा लगा आपको सुनके दीदी मैम दीदी कह रहे नहीं ऐसे क्यों कह रही हो आप दीदी हो अरे हमें बहुत अच्छा लगा हमें एक सपने की तरह लग रहा था पर दीदी से मिलके बहुत बढ़िया लगा इतना लग रहा है कि हम कह नहीं सकते मतलब सपने से आज हकीकत में आज हम मिल चुके हैं मतलब बस मोबाइलों में ही देखते रहते थे हमारा भी यही रहता है क्योंकि हमसे कोई मिलने आए तो बस यही कहा कि हमें अच्छा लगा दिल खुश हुआ हमारा मिलके तो बस यही है और बाकी आप सबका प्यार सपोर्ट और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि दीदी जैसे मतलब कहीं वो आए ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही बैठी है घर जैसा लग रहा है फील हो रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम कैसे मतलब बोल ही नहीं पा रहे क्या कहना है आगे किस नाम से सही बता रहे हमें ऐसा नहीं लग रहा है क्या जूली जी की संजना जूली नाम है आपका तो गाइस जूली नाम है इनका और इनका अकाउंट को भाई विजिट करो आप लोग सपोर्ट करो जिससे कि ये एकदम फेमस है पहले दीदी को और ऊंचाई तक लेके जाओ तो अच्छा लगा दीदी से मिलके ना आप सबको कैसा लगा दीदी से दीदी आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया दूर से आप मिलने हमें बहुत खुशी होती है दूर के हमारे फैन है और इतने आप लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ बोलो दीदी और जी कह रहे कि सपोर्ट को जाना जाता हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दीदी जा रहे हैं संजना दीदी के घर से और संजना दीदी के यहाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत किया और संजना दीदी के मतलब फैमिली वाले आए उनकी फैमिली भैया आए सब बैठे हैं और मम्मी जी भी बैठी हैं संजना दीदी की तो बहुत अच्छा स्वागत किया बहुत अच्छी है गाइस संजना दीदी बहुत अच्छी है मतलब कह नहीं सकते कि इतनी अच्छी है कि हम कोई हद नहीं है बहुत बढ़िया लगा हमें संजना दीदी से मिलकर संजना दीदी बाय तो गाइस हम चलते हैं हम निकल आए बाहर घर से संजना दीदी के तो देखिए ये संजना दीदी का घर है बहुत अच्छा नजारा है यहाँ बहुत अच्छा है और रोड पे ही घर है उनका दीदी का बहुत अच्छा स्वागत किया उनका व्यवहार बहुत अच्छा है बहुत अच्छी है बहुत ऊंचाई तक जाए वो बहुत अच्छी है हम उनके बहुत बड़े फैन थे और आज हमारा दिल खुश हो गया उनसे मिलके गाइस हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त तो मिलेंगे अगले ब्लॉग पे अगर आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में बताना गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बाय